साजिशी टोलो है जो असे सियासत के दागदार करने मुहिम हलई अं उनकी पुरजोर मुजम्मत क्यों था असा उनके बुधायण चाहूँ था अस हर तरह उन्हें जो मुकाबलो कर सकूँ था अस जवाब दींदा भरपूर जवाब देने की असा ताकत रखा अस मैदान से भी मुकाबलो कहसी टोला कामयाब न हाँ भी कामयाब थे न हिमायत है वो असे इन जदोद का खौफ ज्यादा थी करते में रुकावटा विझण चाहन था ये साजिशी मू ये इल्ज़ाम तराशू कर चाहन था ये अगे भी असा दिखा अस हाँ भी उनका ना घबरूँ पा असा हथ साफ है असो जमीर मुतमैन है अस मानू के अगर जवाब दे आवाम के अगर जवाब दे आवाम जो एतमाद है वे भली साजिशू पाँ कर इनशाला नाकाम थींदा अगे भी नाकाम थे हाँ वो एक दफो बीहर नाकाम थींदा ये मुनज़म तरह से असि जदोद के सबोताज कर चाहन था पाया जी साजिश है असा हुकूमत का मुतालबो क्यों था इन साजिश के बेनकाब किया वे उन साजिशी किरदार के बेनकाब किया वे एक आला सतही कमेटी कायम करें वादे क्यों था क्रिमिनल मामलात में ना अगे असो वास्तो तल्लुक रो हाँ असो कुछ असा हथ साफ है बाकी असा पैं मान की मदद कंदा रहा कैंसा ज्यादती थी ना इंसाफी थी असा कें भी अकेलो न छींदा कोई नाराज थे तो भले दह दफा नाराज थे असा उनकी परवाह ना साजी टोले के हाँ यो जैन नशी थे तो अस मैदान के मुंह देने वा अस भजन वा ना जन उन जैन में चन तर असके परेशान कदा तो अस परेशान ना अस अगे भी ये सियासी अंदाज में जदोद कई है इनके अस इन जदोद में अस खुश आयो अस इनका परेशान थे वा ना नसीबुला कोसो क्रिमिनल मानू है वो उनके दफे तहकीकत में उ रिपोर्ट आन साफ वाजे उन डिपार्टमेंटल रिपोर्ट आन जैमें उनके साफ वाजे उन्हें लिखो है तो ये क्रिमिनल मानू है क्रिमिनल मानू का तालुकात इन मामले में तक बुधायण चाहें तो अस जहूर खान कोसे के भी बिरादरी के जैसे कोई गलत फहमी अन का साबती अन का भी अचन वेहन उनके अगर जवाब दे आया वेंदम जो वेहन असा गाल बाकी ये साजिशा कर उनके दुश्मन ही समझा तो जो बार है हर को बार खड़ी मदद क्यों था पाया भाई जो शुक्रगुजार आया इनशाला अस जदोद जारी रही अगत हमारे खिलाफ आवाम में इंसानिया में गलत फहमी पैदा करने के मजमूम मकासद लेकर सरगर्म में अमल है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आप हजरात के सामने वादे कर देना चाहता हूँ कि खादिम खुतों के अलावा भी ना हम मुलविस हैं ना हम ऐसे घटनाओं की हरकत कर सकते हैं। पिछली मरतबा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाए कि मीर मुराद जो भी पुलिस मशकूक आदमी रहती है अपने असर रसूल से उन्हें छुड़ा रहा है सारे लगवे थे
मैंने इन मामला पर गोता कबीले के सरबराह मीर दो खान छोटो से भी बात की और उनसे मैंने इस मामले का नोटिस लेने की गुजारिश की कि नाजायज तौर पर इल्जाम तराशियां करके